आज रक्षाबंधन है, पूर्णिमा भी है। इस मांगलिक अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। कल समाचार पत्र में था कि राखी बंधवाने का बांधने का शुभ समय है, पौने 8 से 9 बजे के बीच। तो सत्संग की समाप्ति के बाद जो साधक राखी बंधवाना चाहते हैं, जो देवियां राखी बांधती हैं, जाके बांध सकते हैं। बहुत कष्ट से उठा के आज आप आए हैं। ये कष्ट किसी व्यक्ति द्वारा तो दिया हुआ नहीं है, ये तो परमात्मा की ओर से, प्रकृति की ओर से है। आप सब इस कष्ट को सहज सहते हुए यहां पधारे हैं, तो मुझे पूर्ण आशा है आज के इस कष्ट को परमात्मा आपकी तपस्या मानेगा। यदि नहीं मानेगा तो मेरी हाथ जोड़ के परमेश्वर से प्रार्थना है कि आज जो कष्ट आपको आने में हुआ है वह जाने में होगा। हे परमात्मा देव, वह कष्ट कष्ट न हो, वह इनकी तपस्या स्वीकार कीजिएगा। हार्दिक धन्यवादी हूं आप सबका पधारने के लिए। चर्चा चल रही है मजदूरी को पूजा कैसे बनाया जाए, चर्चा चल रही है कर्म को कर्मयोग कैसे बनाया जाए। आज छठे अध्याय की समाप्ति पर भी गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण ने योग की महिमा गाई है। प्रथम अध्याय में और दूसरे अध्याय के शुभारंभ में अर्जुन योगी बनना चाहता है, लेकिन कौन सा योगी? भीख मांगने वाला। मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं अपने कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा, मैं भीख मांग के तो गुजारा कर लूंगा। प्रथम अध्याय की उसकी ये मांग है। भगवान श्री तभी निश्चय कर लेते हैं पार्थ, मैं तुम्हें योगी तो बनाऊंगा, लेकिन भीख मांगने वाला योगी नहीं, मैं तुम्हें कर्म करने वाला योगी बनाऊंगा। आज भी इस अध्याय की समाप्ति पर यही कहा है, तू ऐसा योगी बन, निष्काम भाव से कर्म करने वाला योगी बन। ऐसे योगी को कर्मयोगी कहा जाता है, उसका स्थान बहुत उच्च है। श्रद्धावान कर्मयोगी का स्थान तो और भी उच्च है। स्वामी जी महाराज श्रद्धावान कर्मयोग को भक्ति पे कर्मयोग का नाम देते हैं। स्वामी जी महाराज की साधना क्या है? भक्ति में कर्मयोग। हम सबको यही चाहते हैं कि हम सब भक्ति में कर्मयोगी बने। तो चर्चा का विषय यही है साधक जनों, यही चर्चा कुछ दिनों से चल रही है। कर्मयोग को निष्काम कर्म भी कहा जाता है। इससे पहले जो कुछ आप सुन चुके हैं उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, आगे बढ़ते हैं। कर्मयोग को निष्काम कर्म भी कहा जाता है, अर्थात बिना कामना के निष्काम, अर्थात कोई कामना न रख के कर्म को करना। कामना क्या है? आपको पहले दिन कहा था, नाम इसके भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, लेकिन एक संसारी की एक ही कामना है कि वह संसारिक सुख चाहता है, चाहे वह सफलता के रूप में मिले, चाहे वह विजय के रूप में मिले, प्रमोशन के रूप में मिले, यशमान के रूप में मिले, ख्याति के रूप में मिले, प्रशंसा के रूप में मिले, पुरस्कार के रूप में मिले, कुछ बनने के रूप में मिले। कामना एक है सारे चीजों, घुमा फिरा के इन सबसे क्या चाहिए आपको? आप संसारिक सुख चाहते हैं,
संसारिक सुख सुविधा का होना ही कामना है। और जब तक संत महात्मा कहते हैं ये कामना बनी रहेगी, तब तक परम सुख की चाह, वास्तविक चाह आपके अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती। जब तक ये चाह उत्पन्न नहीं होगी, तब तक आपको शांति प्राप्त नहीं हो सकती। सुख सुविधा तो मिलेगी आपको, मकान छोटा है बड़ा हो गया, सुख सुविधा आपको मिलेगी। आपका पहले कामकाज थोड़ा था, आपने बहुत एक्सपेंड कर लिया है उसे, आप बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए हैं, अनेक सारी आपकी फैक्ट्रीज हो गई हैं, शोरूम हो गए हैं, होटल हो गए हैं, इससे बेटा सुख सुविधा तो आपको मिलेगी लेकिन शांति नहीं मिलेगी। ये शास्त्र ठोक बजा के कहता है, याद रखिएगा इस बात को। आपको सुख सुविधा तो ये सब चीजें दे सकती हैं, लेकिन परम सुख की प्राप्ति नहीं होगी, परम शांति की प्राप्ति नहीं होगी। परम शांति की प्राप्ति किसके साथ जुड़ी हुई है? प्रभु प्राप्ति की चाह के साथ। जब आपके अंदर प्रभु प्राप्ति की चाह, उत्कट इच्छा है, तो वे भी कामना बेशक से कामना कहो, पर एक ऐसी कामना जो आपको मुक्ति देने वाली है। ये कामनाएं जितनी भी हैं, ये अकेली कामना आपको मुक्ति देने में सक्षम, वह अनेक कामनाएं सारी की सारी आपको हथकड़ियां लगाने वाली, पाँव में बेड़ियां डालने वाली, ये बंधनकारी कामनाएं हैं। जब तक उन बंधनकारी कामनाओं का त्याग नहीं होता, तब तक परम शांति किसी भी हालत में आपको नहीं मिल सकती। ये स्क्रिप्चर्स, ये शास्त्र स्पष्ट करते हैं, गीताचार्य भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं। एक मोटर गैराज, घर में गैराज होता है, आप लोग कार खड़ी करते हैं। एक ऐसे संभव हो, एक छोटे से दृष्टांत के माध्यम से दीक्षा, कामनाओं रहित कर्म कैसे हुआ करता है। एक गैराज है, उसमें आप अपनी कार को पार्क करके रखते हैं। प्रथम अवस्था कार की है, ना मोटर चल रही है, ना पहिया चल रहा है, कुछ भी नहीं, खड़ी है कार। न काम करने की कामना है, न कर्म है। मेहरबानी करके, बहुत आसान उदाहरण है, सबकी समझ में आने वाली। कार आपके गैराज पे खड़ी है, आपने उसको स्टार्ट भी नहीं किया, खड़ी है, तो ना कोई कामना है और ना ही कोई कर्म हो रहा है। आपने कार स्टार्ट कर दी है, चाबी लगाई, मोटर चलनी शुरू हो गई, लेकिन अभी पहिए हिलने शुरू नहीं हुए, कार अभी भी गैराज में है। कामना तो हो गई लेकिन कर्म नहीं है, कामना तो है लेकिन कर्म नहीं है। आपने एक्सेलरेटर पर पांव रखा, कार चलनी शुरू हो गई है, गैराज से बाहर निकल आई है, मोटर भी चल रही है और कर्म भी हो रहा है, पहिए भी चल रहे हैं, कामना भी है और कर्म भी है। ढलान आ गई है, यहां से स्नो क्रश से नीचे उतरो, आप लोग अपनी मोटर बंद कर देते हो, अब जरूरत नहीं, पहिए चलते हैं, यात्रा तय हो जाती है। काफी दूर तक आप बिना कार स्टार्ट के चले जाते हैं, स्कूटर वाले भी ऐसे ही करते हैं, स्कूटर को बंद कर देते हैं और स्कूटर ढलान है, चलता रहता है दूर तक, बिना फिर स्टार्ट किए चलता रहता है। संत महात्मा कहते हैं यहां कामना नहीं है, कर्म हो रहा है। ऐसी अवस्था ही शांतिदायी अवस्था है, कामना न हो पर कर्म होता रहे। ऐसी चौथी अवस्था को कर्मयोग का बहुत सुंदर उदाहरण समझा जाता है। कर्मयोग क्या है? बिना कामना के जो कर्म होता है, जो कर्म किया जाता है, स्वतः स्वार्थता, मुझे इससे सुख नहीं चाहिए, एक ही कामना है ना, मुझे इससे सुख नहीं चाहिए, सुख तो मैं जिस मेरी समझ में आ गया है, जितना सुख मैं औरों को दूंगा, वह परमात्मा देव मुझे परम सुख का अधिकारी बना देगा, वह परमात्मा देव मुझे परम शांति अपने आप देगा, मुझे मांगने की जरूरत नहीं, मुझे क्या करना है, दूसरों को सुख देना है। अतएव संत महात्मा कहते हैं, साधकजनों, भक्तजनों, सदा याद रखो,
सुख भोगने की चीज नहीं है। मत इसके पीछे पड़ो। सुख भोगने की चीज नहीं है, सुख बांटने की चीज है। बांटिएगा तो परम सुख आपके पीछे पीछे घूमेगा। वह परमात्मा देव का सुख, वह भक्ति का सुख, वह आनंद परमानंद परम शांति सब आपके पीछे पीछे घूमेंगे। क्यों? आप परमात्मा का दाहिना हाथ बन के तो काम कर रहे हो, दूसरों को सुख आप बांट रहे हो, दूसरों को शांति दे रहे हो, दूसरों को आनंद बांट रहे हो। तो परमात्मा आपको शांति एवं आनंद से अपने प्रेम से मालामाल कर देता है। बहुत अंतर है साधकों, एक कर्मयोगी में जो निष्काम भाव से कर्म कर रहा है, बिना कामना के कर्म कर रहा है, संसार में भी चल रहा है, और एक भिखारी कामना करके तो कर्म कर रहा है, उसे सकामी कहा जाता है। एक सकामी में और एक निष्कामी में माता कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। एक राजा के घर चलिएगा, एक राजा के घर में होंगे तो बहुत दो दासियां लीजिए, दो सेविकाएं हैं राजा की सेवा में, एक तनखा लेने वाली है और एक बिना तनखा के राजा की सेवा करती है। एक को दासी कहा जाता है और दूसरी को महारानी कहा जाता है। कहां अंतर है? एक कामना से कर्म कर रही है, तनखा लेके वेतन लेके कर्म कर रही है, और दूसरी पत्नी बन के कर्म कर रही है, उसके अंदर किसी प्रकार की चाह नहीं है। कामना वाली जो सेविका है, जो नौकरानी है, जो दासी है, उसका अधिकार मात्र वेतन तक, एक महीने के बाद उसे सैलरी मिल जाती है। दूसरी महारानी बिना मांगे हुए सब कुछ पर अधिकार है उसका। तो कितना अंतर है निष्कामता और सकामता में, कितना अंतर है बिना कामना के कर्म के और कामना सहित कर्म के। एक को दासी कहा जाता है, और छोटे बनाइए और छोटे चलिए तो एक को भिखारी कहा जाता है, और दूसरे को दाता छोटे मालिक मालकिन कहा जाता है। इतना अंतर है परमेश्वर की दृष्टि में। जहां कामना होगी सर्वक्षण, वहां आपका राग भी होगा और द्वेष भी होगा। आप चाहते तो सुख हो, लेकिन हमेशा सुख तो मिलता नहीं है। आपकी चाह की पूर्ति आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि अपने हाथ में नहीं है, अतएव हर कर्म आपको सुख नहीं देता है। ना पक्की बात, हर कर्म आपको सुख नहीं देता। आप कर्म की चाह तो करने में स्वतंत्र हो, लेकिन वह कर्म दे भी आपको सुख देगा या दुख, इस पर आपका अधिकार नहीं है। कल करेंगे विशेष रूप से चर्चा सुख एवं दुख की, पर आज यहां पर चूंकि आपका अधिकार बिल्कुल नहीं है कि इस कर्म से आपको सफलता मिलेगी या असफलता मिलेगी, सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, अतएव कर्म करने में आपकी स्वतंत्रता है। कामना करने में आप स्वतंत्र हो, लेकिन वह कामना से उपजा हुआ कर्म आपको सुख देगा या दुख देगा, ये आपके अधिकार में नहीं है, ये आपके वश की बात नहीं है। तो जो सुख देने वाला कर्म है उसको आप बार बार करना चाहोगे, लेकिन बार बार करने पर भी वह सुख नहीं सदा देगा, वह कभी ना कभी दुख देगा ही देगा। तो कर्म सुख भी देगा और दुख भी देगा। जिस कर्म के साथ आपकी प्रीति हो जाया करती है, राग हो जाया करता है साधक जनों, वह एक ना एक दिन दुखदायी बनते रहेगा, दुख देते रहेगा। अतएव इस संसार में कर्म तो करो, लेकिन चिपक के नहीं करना। एक शब्द याद रखो, कर्म किसकी कर रहे हो, ये मेरा कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूं। परमात्मा का दिया हुआ दायित्व है, मैं उसको निभा रहा हूं। कल्पना कीजिएगा, आप माई बाप अपने पुत्र की पालना बहुत प्यार से करते हो, पुत्री से कहीं अधिक, पुत्री की
इतनी अच्छी ढंग से देखभाल नहीं की जाती जितनी पुत्र की जाती है। पुत्री तो बेगानी है, अपने घर चली जाएगी। अतएव उसकी बिचारी की बहुत पूछताछ नहीं होती। पुत्र की बांगड़ी होती है और पुत्र की पूछताछ भी देखभाल भी विशेष की जाती है। यही तो है जो हमारी सेवा करेगा। जहां साधक जनों आपने सेवा की अपेक्षा रखी, आप क्यों कर्म कर रहे हो? इसलिए कि वह बड़ा होके हमारी सेवा करेगा, वहीं आप मार खा जाओगे, वहीं कर्म कर्तव्य नहीं बनके वहीं वह कर्म सकाम कर्म बन जाएगा और दुखदायी कर्म बन जाएगा। कौन जानता है कल को पुत्र सिर पर जूतियां मारेगा, घर से बाहर निकाल देगा या घर में रह के हमारी सेवा करेगा। तो वह कर्म आपका कर्मयोग नहीं रह सकेगा। जो पुत्र की पालना कर रहे हो ये मेरा कर्तव्य है, बस। तो ये कर्तव्य ये कर्म कर्मयोग बन जाएगा। एक लेडी डॉक्टर अनेक बच्चों को, जितने भी माताएं आती हैं गर्भवती, बच्चों को जन्म दिलवाती हैं वहां पर। आज किसी एक महिला के घर 10 वर्ष के बाद पुत्र पैदा हुआ है। डॉक्टरानी को पता है, पिछली हिस्ट्री का पता है, 10 साल के बाद इनके घर संतान पैदा हुई है। अतएव और तभी ये जाके तो बाहर निकल के ऑपरेशन थिएटर से तो पेरेंट्स को, मां को तो पता नहीं वही देती होगी, लेकिन बाहर निकल के तो परिवार को बहुत बहुत बधाई देती है, उत्तर तन की प्राप्ति हुई है। इतनी सुनने की देरी है, घर सूचना जाती है, बैंड बाजा बजना शुरू हो जाता है, लड्डू बटने शुरू हो जाते हैं, एक खुशियों का माहौल शुरू हो जाता है। 2-4 दिन किसी कारणवश बच्चे और बच्चे की मां को अस्पताल में रखने की जरूरत पड़ी। 1 सप्ताह के बाद उस पुत्र की मृत्यु हो गई। डॉक्टरानी आज क्या कहती है? आज दोनों मां अंदर है, पिता बाहर है, परिवार बाहर है, इतना ही तो कहती हो ना? मुझे अफसोस है, बहुत कोशिश करने पर भी मैं आपके पुत्र को बचा नहीं सकी। मेहरबानी करके एक सफेद कपड़े में उस बालक को लपेट देती है डॉक्टर, और यही कहती है ना, मेहरबानी करके आप बच्चे को ले जाइएगा, कमरा खाली कर दीजिएगा, किसी नेक्स्ट पेशेंट को यहां आना है। उसे इस कर्म से, पुत्र के पैदा होने से और पुत्र की मृत्यु पर न हर्ष है न शोक है, वह सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। घर में वह जाती है तो यदि ऐसा करती है तो वह कर्मयोगिनी, वह कर्मयोगी है। लेकिन घर में जाके ये सब कुछ होता नहीं है। घर में जाके तो ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, सब कुछ मेरा हो जाता है। वहां तो वह कर्तव्य पालन कर रही है अस्पताल में, लेकिन घर में ये कर्तव्य भूल जाता है। अतएव कर्तव्य का पालन करना देव सचनों है कर्मशोक। मोह ममता के जाल में फंसना है सकाम कर्म बंधन का कारण। बस सुन जारी रखेंगे साधक जनों इस चर्चा को, और आगे आज यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।